वीडियो बन रही है www.sarthi .nic.in ये साइट है। अगर आपको ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो www.sarthi.nic.in ठीक है। यस सर। sarthi.nic.in चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने कह रहा है कि अगर आपको एप्लीकेशन देनी है लर्निंग के लिए तो ऊपर वाला है, अगर आपको फिलहाल मुझे लर्निंग के लिए करना है अप्लाई फर्स्ट टाइम, क्लिक किया एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, शायद ये आ गया। कह रहा है आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है या अभी आप लर्नर है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम हूं तो अभी लर्नर हूं, पहले आपको एक महीने के जो आपको पक्के वाला मिलता है वो एक महीने के बाद मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं अभी लाइसेंस सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गए न्यू लर्नर लाइसेंस और यहाँ पर क्या कर दिया सबमिट कर दिया। अच्छा आगे खुल के इस फॉर्म को अपील कर लेना, बस इतना प्रोसेस है। और फीस भी ऑनलाइन जमा होगी, किसी को करना है अप्लाई? अच्छा आपको करना है, चलो मीनाक्षी को करना है, मीनाक्षी कर देते हैं पहले। हाँ जी मीनाक्षी जी, आधार नंबर है बोलो। चले जाना फिर पेपर देने के लिए, पेपर एक महीने के बाद, अभी पेपर नहीं होगा, अभी तो आप लर्नर है सीख रहे हैं ना, तो छह महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होता पक्के के लिए फिर आपको, वरना ही कैंसिल हो जाता है। अभी आप लर्नर का ले रहे हैं 30 रुपए कटेंगे, छह महीने के भीतर भीतर आपको पक्का लेना पड़ता है, नहीं तो वो जो लर्नर वाला होता है कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर आपने लर्नर के लिए अप्लाई कर रखा है कि आप सीख रहे हैं अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो एक अच्छा मिलेगा फिलहाल आपको छह महीने के लिए, आप एक महीने के बाद और छह महीने से पहले पहले पक्के के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 200 रुपए कटेंगे आपके, अभी कटेंगे 30 रुपए। चलिए आधार नंबर दीजिए फटाफट थोड़ी फास्ट। सतनाम कहां से आ रहे? मैंने यहां पर लिखा 2887 9292 1114। किस स्टेट बनवाना है? आ रहा उत्तर प्रदेश, उसमें सारी स्टेट नहीं आ रही है, गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र उड़ीसा प्रदेश, इसका मतलब अगर किसी और स्टेट पर बनवाएंगे तो नहीं बनेगा, मतलब इस वाली साइट पर, इस वाली साइट पर सिर्फ इस स्टेट से बनेंगे। आप कह रहा कि आपका आरटी कौन लगता है, गाजियाबाद लगता है मेरठ लगता है? यहाँ पर देखो जरा यूपी 15 आ रहा है आरटीओ मेरठ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है यहां से देख लेते हैं, ये वाली लिखनी है ना 19 9 19। अच्छा ऐसे नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद इनका नाम लिखा जाएगा यहां पर, नाम क्या है? कुमारी मीनाक्षी। वैसे ऐसा होता है कि सब कुमारी जरूर लिखवाते हैं, कुमारी मैंने फर्स्ट नेम में डाल दिया, इनका नाम पूरा का नाम कुमारी मीनाक्षी है, या मीनाक्षी को हटा दूं? ये सही नहीं रहता, मीनाक्षी यहाँ पर मिडल नेम भी नहीं, कुछ लास्ट नेम भी नहीं। अब यहाँ पर फादर का नाम डालना है, फादर का नाम डालते हैं, फादर का नाम है इनके चंदन सिंह, और यहाँ पर लास्ट नेम में क्या आ जाएगा? इसके बाद यहाँ पर इनका जेंडर डाल देते हैं और यहाँ पर फोन नंबर बोलिए, फोन नंबर बोलिए थोड़ा तेज, वैसे तेज बहुत तेज बोलते हैं, अब मुझे देखना पड़ेगा इसमें, बोलो ठीक है ठीक है, बढ़ा दो इसके लास्ट में 52 है। फोन नंबर बता दो,
हाँ मोबाइल नंबर डालना है, मैं यार डाल रहा हूँ 52 वाला, मेरे पास ये वाला है सर वाला मैं डालना, वो मेरा कॉल करती है वो फोन नहीं रहता सर, पापा का डाल दो ना। हाँ बोलो। हाँ और इसमें कोई ओटीपी वगैरह तो नहीं है ना? आएगा फिर पापा सर वो डाल दो आप। 9568 9568 7218 ठीक है। सामने देखो जरा, आगे चलो, यहाँ पर आए, बस छोटा सा फॉर्म है, बहुत छोटा सा। यहाँ पर गए, प्लेस ऑफ बर्थ क्या आपकी? किस जगह? जन्म स्थान क्या? नैनीताल। बस नैनीताल लिख दूँ? रामनगर। एन ए एन आई नैनीताल। सामने देखो जरा, इसके बाद क्या कह रहा है? इंडिया में हुए थे? यहाँ पर तो इंडिया नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है। इसके बाद ब्लड ग्रुप पता अपना? कुछ भी डाल दूँ उसमें? क्या पता चला? ए डाल या बी डाल दूँ? बी पॉजिटिव। इसके बाद ईमेल आईडी से बोलो, ईमेल आईडी ठाकुर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन 10 प्लस 2 सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है इसमें क्या? अब बीकॉम कर रहे हो ना आप अभी? यूपी बोर्ड है इसमें, देखना है ना यूपी बोर्ड है क्या इसमें? देखो जरा यूपी बोर्ड है या नहीं, ये डालता हूँ। बी ए बी कॉम बी एस सी कोई मार्क्स हाथ पे निशान विशान कुछ कुछ तो होगा? कट वट का निशान कोई तिल कुछ होगा? चलो वैसे डालना कंपलसरी नहीं है, इसमें स्टार लगा नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? इफ द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है? नवंबर आएगा, किसी का फर्स्ट ईयर है तो कैसे कंप्लीट हो जाएगा? अच्छा ईयर कौन सा आएगा? अपीयरिंग एंड ईयर तो अपीयरिंग को इंडिया, ये तो करवाई नहीं रखा ना, ये तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार लगा रखा है इस पे। चलिए आगे चलें, स्टार्ट करें, सबमिट कर दूं से? प्लीज सेलेक्ट स्टेट, पहला ऑप्शन पहला क्लियर हो गया है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? और प्रेजेंट एड्रेस कहां पर है? आपको दोनों एड्रेस देने हैं या एक देना है फिलहाल? कौन से वाला? यहाँ का गांव का? कहाँ का? अमरोहा का? स्टेट कौन सी लगती है? डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। नैनीताल अमरोहा सही? अच्छा वो प्लेस ऑफ बर्थ है अमरोहा, ठीक है। स्पेलिंग? फ्लैट नंबर, मकान नंबर? मकान नंबर नहीं पता। अब कैसे उस पर एड्रेस आएगा हमारे? उस पर जो ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस आएगा। चलो अपने बना लेना दादी साइड आपको। हसनपुर अमरोहा ये डाल दो खाली, जो इसमें नेयर बताओ, नेयर कहाँ पर है? नेयर कोई लैंडमार्क, कोई लैंडमार्क है क्या? कोई मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ? नहीं क्या? कौन सा?
हम मन